नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई के युवा नेतृत्व और विकास पुरुष के परिचायक ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऐरोली भारतीय जनता पार्टी मंडल के यूथ ब्रिगेड टीम के सक्रिय कार्यकर्ता राहुल शिंदे के माध्यम से ज्येष्ठ पूर्व सभागृह नेता अनंत सुतार के नेतृत्व में ऐरोली सेक्टर 3 में स्थित माता बाल अस्पताल में मरीजों को मुफ्त फलों का वितरण और ऐरोली सेक्टर 4 स्थित कालू सुनामी उद्यान में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कर एक साथ आरोग्य और पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया। बता दें कि इस साल महाराष्ट्र में आए बाढ़ग्रस्त स्थिति को देखते हुए संदीप नाइक ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को इस बार अपने जन्मदिन के अवसर को जनसेवा घोर गरीब दुखियारों की सेवा में समर्पित करने की अपील अपने कार्यकर्ताओं से की थी। उनके विचारों को अपनी जनसेवा के माध्यम से सार्थक करते हुए राहुल शिंदे ने सामाजिक उपक्रम का आयोजन कर अपने युवा नेता संदीप नाइक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान आयोजक राहुल शिंदे के साथ समाज सेवक राजेश मड़वी, निकेतन पाटिल, सुदर्शन जिरगे, नरेंद्र कोटकर, बापू पोल आदि सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं की यूथ ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। संदीप नाइक का विशेष फोकस पर्यावरण संवर्धन की दिशा में हमेशा से रहा है, इसलिए उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने इस दिन वृक्षारोपण कर वृक्षों के संवर्धन की दिशा में समाज में संदेश दिया। राहुल शिंदे के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में अनंत सुतार ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि संदीप नाइक आज युवाओं के लिए नव चेतना नव ऊर्जा बनकर साबित हुए हैं। उदयातून भावना निर्माण होता अशा व्यक्तीचा आज वाढदिवस आहे। नवी मुंबईचे शिल्पकार, नवी मुंबईचे नेते ऐरोलीचे आमदार गणेशजी नाईक साहेब यांचा सुपुत्र, दोन वेळा आमदार झालेले, तीन वेळा सभापती झालेले आमदार संदीप नाईक यांचा आज वाढदिवस। आणि यांचा वाढदिवस म्हटल्यानंतर निश्चित कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळा जोश असतो, स्फूर्ती असते। ते राहुल शिंदे यांनी आज ऐरोली महानगरपालिकेच्या रुग्णालयामध्ये सेक्टर 3 रुग्णांना फलं वाटप केली आणि आज या गार्डनमध्ये वृक्षारोपण होते। वृक्ष आज आपण लावतोय, पुढच्या वर्षी पुन्हा संदीप नागाचा वाढदिवस येणारच आहे। त्या दिवशी हा जे वृक्ष आज लावलेले आहेत त्याची किती वाढ झाली पूर्ण खात्री आहे की पुढच्या वर्षी हे वृक्ष वाढलेले असतील आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा एका वृक्षाचा जन्म होईल असं मला वाटतं। म्हणून हे वृक्ष ह्यासाठी वाढलं पाहिजे, संदीप नायकांना चांगलं आरोग्य मिळण्याकरिता, नवी मुंबईच्या नागरिकांना चांगलं आरोग्य मिळण्याकरिता, संदीप नायकाच्या हातून जनतेची सेवा होण्याकरिता हे काम आपण ज्या पद्धतीने मिळून करतो आहे या सर्वांच्या वतीने परमेश्वराला प्रार्थना आहे की आमच्या संदीप नाईक साहेबांना चं आरोग्य चांगलं राहू दे। आमच्या सर्वांच्या वतीने त्यांना खूप खूप मंगलमय शुभेच्छा देतो। वही भाजपा के सक्रिय पदाधिकारी राहुल शिंदे ने संदीप नाइक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत करार दिया। ऐरोली के प्रथम आमदार माननीय संदीप जी नाइक साहेबांचा आज 4 ऑगस्ट रोजी वाढदिवस। भाईंनी आवाहन केलेलं की सध्याची पूरस्थिति पाहता आणि महाराष्ट्र आलेलं संकट पाहता माझा उपक्रम जास्तीत जास्त त्यांना मदतीने तुम्ही कसा कराल या हेतूने माझा वाढदिवस साजरा करा। कोणीही पोस्टर बॅनर्स किंवा होल्डिंग्स लावू नयेत, काय नाही त्या अनुषंगाने आज आम्ही ऐरोली सेक्टर 3 माताबाल रुग्णालयात फळवाटपाचा कार्यक्रम रुग्णांना, तसंच सेक्टर 4 काळू राघव सोनावणे उद्यानात वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला होता। जेणेकरून बाईंनी जे आव्हान दिलं होतं त्याला प्रतिसाद देत ऐरोलीतील तमाम भाजप जेवढे पदाधिकारी कार्यकर्ते होते, ज्येष्ठ नगरसेवक आनंद सुतार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही हे सदर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले होते। बाईंना दीर्घ आयुष्य लाभो हीच आमची सर्वांची कार्यकर्त्यांची प्रार्थना होती। त्यांच्या समाजकार्य असंच अजूनही घडो आणि नवी मुंबईची जनतेला त्याचा लाभ हो
हिज ईश्वरचरणी आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी प्रार्थना करतो। इतना ही नहीं, अपने नेता संदीप नायक के पहल पर जनसेवा में तैनात उनकी यूथ ब्रिगेड की टीम ने भी संदीप नायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं की। आज 4 ऑगस्ट है आणि आपल्याला माहिती असेल का आज ऐरोलीचे प्रथम आमदार संदीपजी नायक साहेब यांचा वाढदिवस आहे। साहेबांना आज आमच्या प्रभागातून किंवा माझ्या ऐरोलीच्या कारणकडून भरपूर आयुष्य लागो आणि दीर्घ आयुष्य लागल्यानंतर त्यांच्या हातून अनेक कार्यक्रमांमधून आमच्यासारखा कार्यकर्ता त्यांच्या हाताखाली काम करण्याची एक संधी मिळो, हेच या दिवशी मी वाढदिवसाच्या साहेबांना शुभेच्छा देतो। ऐरोलीचे प्रथम आमदार संदीपजी नाईक यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी टू कम हियर अँड हॅपी बर्थडे टू संदीप नायक अँड आय हॅव बीन नोन राहुल शिंदे फॉर अ लाँग टाईम अँड ही इज बीन डुईंग अ व्हेरी एक्सेप्शनल जॉब फॉर कोविड फॉर even in the gardens and it's a great way to celebrate birthday। संदीप नायक के यूथ ब्रिगेड टीम के सक्रिय पदाधिकारी राहुल शिंदे ने कोरोना संक्रमण के दौर में अपने नेता के साथ जनता की सेवा में 24/7 काम करते हुए न केवल कठिन दौर में अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई बल्कि गणेश नायक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंदों को अनाज का वितरण कर संकट की घड़ी में मदद का हाथ भी आगे बढ़ाते हुए अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन किया। ऐसे में इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से राहुल शिंदे ने इस दिन को भी बेहद अविस्मरणीय बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवेम्बर नेटवर्क।